नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। आज हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से दावेदारों की लंबी सूची बनती जा रही, क्योंकि हर कार्यकर्ता मेहनत करता, दरिया उठाता, झंडे लगाता, नारे लगाता है, और हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ूं। हर कार्यकर्ता की एक अपनी इच्छा है। तो और भारतीय जनता, अगर वो पार्टी में काम कर रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी में, तो उसकी खैर इच्छा है पार्टी, लेकिन किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है तो पार्टी ही, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ में कुछ इस प्रकार से हमने सोशल मीडिया पर और जनता से चर्चा करने के बाद हमारे सामने कुछ नाम सामने हैं, तो हम उनसे बताएंगे कि उनका क्या है। मैं सबसे पहले नाम है मनोज तारवाला। मनोज तारवाला जो है अमृत तारवाला के भाई है, जो उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी को खंडवा जिले में या बुरहानपुर विधानसभा में बहुत कम लोग जानते थे। उस समय में ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में काम फैलाकर अमृत तारवाला ने लोकसभा की सीट जीती और यहाँ सांसद बने और काफ़ी मेहनत करी। उसी परिवार से मनोज तारवाला आते हैं। मनोज तारवाला दो बार पार्षद भी रह चुके हैं, नगर निगम में अध्यक्ष रह चुके हैं, फेडरेशन और जिला सहकारी बैंक में भी से जुड़े सदस्य रह चुके हैं, और ये अमृत फाउंडेशन के माध्यम से अब लोगों को जल पिला रहे हैं और सामाजिक धार्मिक कार्य कर रहे हैं। उनका जो व्यवसाय है वो बोरिंग का व्यवसाय है, बोरिंग के माध्यम से ट्यूबवेल का कृषकों को खेतों में की जाती है, जिसका इनका काफ़ी हर समाज के लोगों से जीवित संपर्क है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि जनता इनको भी भारतीय जनता पार्टी का सशक्त दावेदार मान रही है, लेकिन खैर भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है तो समय बताएगा। दूसरे जो उम्मीदवार है काशीनाथ महाजन जो है माली समाज से आते हैं। माली समाज का बुरहानपुर जिले में लगभग 40,000 वोट है, और जिस प्रकार से काशीनाथ 1995 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, वो जनपद सदस्य भी रहे, जनपद अध्यक्ष भी रहे, जिला जनपद सदस्य भी रहे, और ये आज तक चुनाव नहीं हारे, इनकी विशेष ये रहे, और ये किसी और सामाजिक धार्मिक हर कार्य में इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। जिस प्रकार सोशल मीडिया और सामाजिक क्षेत्र में इनका जो जानकारी मिल रही है, तो ये भी OBC अगर कार्ड खेला भारतीय जनता पार्टी ने, जिस प्रकार अभी वो पिछड़ा और छात्र डाली वो शिवराज सिंह चौहान 17 को आए थे, तो OBC को जो जिस प्रकार से बात की जा रही, तो क्या OBC अगर भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर विधानसभा में OBC कार्ड खेलती है, अगर OBC कार्ड खेलती है तो काशीनाथ महाजन भी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तीसरे जो उम्मीदवार है हमारे हर्षवर्धन चौहान, नंद कुमार चौहान के पुत्र है। नंद कुमार चौहान कर्म काल में उनकी डेथ हो गई थी, उनके जाने के बाद बुरहानपुर खंडवा लोकसभा की सीट जो है वहाँ उपचुनाव हुए। उस समय हर्षवर्धन चौहान से की दावेदारी थी और उस समय चर्चा चल रही थी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार से ही टिकट देगी, लेकिन जिस प्रकार पूरे जिले कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की डेथ होती है तो उनके परिवार में टिकट दे, गोपीनाथ मुंडे हुए, राजेंद्र राधु हुए, उनके परिवार को टिकट दिया और वो नेता भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन नंद कुमार चौहान के पुत्र हर्षवर्धन चौहान को लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया, जिससे ये भारतीय जनता पार्टी ने OBC कार्ड खेला। OBC कार्ड के अंदर OBC वोटों को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया, ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव जीत गए, और BJP के लिए गुड लक रहा और हर्षवर्धन चौहान के लिए बैड लक रहा। लेकिन फिर अभी विधानसभा में हर्षवर्धन चौहान भारतीय जनता पार्टी के दावेदारी में नजर आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से ये कयास लगा रहा है कि इस बार हर्षवर्धन चौहान को बुरहानपुर विधानसभा का टिकट मिलेगा। खैर भारतीय, ये टिकट किसको मिलेगा, उम्मीदवार कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी, समय का इंतजार करें। चौथे जो उम्मीदवार है अर्चना चटनीस, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रही है, इनके पिताजी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बुरहानपुर नेपानगर विधायक रहे, बुरहानपुर से ये अर्चना चटनीस मंत्री भी रही, और एक निर्दलीय उम्मीदवार ठाकुर सुरेश सिंह से पिछला चुनाव ये हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी अर्चना चिट्ठी सामाजिक क्षेत्र में जनता के बीच में लगातार कार्य करती रही है, तो इस बार अर्चना चिट्ठी भी को भी ये प्रबल दावेदारी के रूप में नजर आ रहा है, और इनके कार्यकर्ता और इनका जो अपने जनता के बीच में जो है, तो इससे लग रहा है कि अर्चना चिट्ठी भी दावेदारी के रूप में, प्रबल दावेदारी के रूप में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी ये समय ही बताएगा। चौथे जो हमारे उम्मीदवार है, पाँचवें विजय गुप्ता जी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के 5-6 साल से जिलाध्यक्ष भी रहे, इनको प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य है, और ये इनको नेपानगर का प्रभार दिया, जहाँ भी इनको दिया गया वहाँ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास किया। ये गुजराती मूल समाज से आते, जिनके 20-25 हज़ार वोट बुरहानपुर में है, और इनका काफ़ी ये बेदाग है, इन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, और ये दावेदारी के रूप में सोशल मीडिया में और इनके माध्यम से दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि इस बार विजय गुप्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देना चाहिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है तो समय ही बताएगा। तीसरे जो हमारे उम्मीदवार है मनोज लद्विदी, जिस प्रकार BD शर्मा ने भी स्टेटमेंट दिया कि कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा और कुछ जिलाध्यक्ष को भी मौका दिया जाएगा, तो इस प्रकार से BD शर्मा जो है मनोज लद्विदी काफ़ी करीबी है, तो इससे बुरहानपुर जिले में और उनके कार्यकर्ताओं में कयास लगाया जा रहा है कि अगर
जिलाध्यक्ष और नए चेहरों को अगर मौका दिया तो बुरहानपुर विधानसभा के अंदर मनोज लघवी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और मनोज लघवी जो है छात्रकाल से भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे और बीजेपी के कई पोस्ट पर शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे और कई पोस्ट पर अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। तो ये कायस लगाया जा रहा है कि अगर नया चेहरा अगर आया तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, तो क्या बुरहानपुर से मनोज लघवी को भी सम्मानित उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है ये सोशल मीडिया पर। और टिकट कौन तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, अब किसको मिलता है ये तो समय ही बताएगा। प्रगति चापोरकर ये नया चेहरा युति है। अगर महिलाओं की अगर बात करें, 33% महिलाओं की अगर बात आती है सामने, तो महिलाओं के अंदर युवा चेहरा है प्रगति चापोरकर। प्रगति चापोरकर जो है जनसंघ से, उनका परिवार जनसंघ जुड़ा हुआ है, 6 साल पहले आजीवन सदस्य भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और ये महिला मोर्चे की भी तमाम ये अगर देखा है तो इनका भी काफ़ी संघर्ष बीजेपी में रहा है और युवा चेहरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 33% आरक्षण में अगर बात कर टिकट देती है तो प्रगति चापोरकर युवा चेहरा रहेगा और ब्राह्मण समाज से रहेगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के कारण युवा चेहरे कारण ये भी अपनी दावेदारी इनके कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर और इस क्षेत्र पे इनका भी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये हम ये कर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी इनके कार्यकर्ता नेता के जो फोटो वायरल करें या फिर उनकी गतिविधि बढ़ जाए तो समझ जाओ कि चुनाव आए, तो हो सकता है ये भी दावेदार हो सकते हैं। हमारे जो महेश चौहान जो है हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्ववादी लीडर के नाम से बुरहानपुर जिले में के आया है, जिस प्रकार इच्छेश्वर हनुमान मंदिर और तमाम इन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर जो भी जनता के बीच में आए, कार्यकर्ता के बीच में आए, उनके समर्थकों के बीच में आए, तो उनके द्वारा ये मांग किया कि इस बार बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हो गए वो महेश चौहान हो गए। और महेश चौहान ने भी दावेदारी दर्शा रहा है, जिस प्रकार उनको सोशल मीडिया पर और अन्य गतिविधियों को देखे तो महेश चौहान का भी नाम सामने आ रहा है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे ये तो समय बताएगा। और आदित्य प्रजापति जो है जो प्रजापति समाज से आते, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है अपने ज्ञानेश्वर पाटिल, उनके प्रतिनिधि है ये भी, जिनका भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार से चर्चा चल रही कि हो सकता है कि बुरहानपुर विधानसभा के लिए कुंजी प्रजापति समाज से और ये एडवोकेट भी है, तो हो सकता है ये दावेदारी में इनका भी नाम सामने आ रहा है। उसको कयास लगाया जा रहा है कि ये भी बीजेपी के बुरहानपुर विधानसभा के दावेदारी की लिस्ट में। तो तमाम ये जो हमने जो दावेदारी लिस्ट पीस करके उसको आगे कभी पीछे ये क्रमांक नाम कहीं से कहीं लेना है वो तो हमको बताना है न्यूज़। लेकिन तमाम जो दर्शक है भारत और अपने कार्यकर्ता उनके समर्थक है वो अब भारतीय जनता पार्टी का बुरहानपुर का विधानसभा का उम्मीदवार कौन हो वो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखे कि हमारा बीजेपी का उम्मीदवार ये हो, जिसके समर्थन में ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ये माना जाएगा कि दर्शक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर समर्थक बीजेपी के उम्मीदवार के लिए ये उम्मीदवार चाहते, जिस उम्मीदवार को समर्थन में ज़्यादा कमेंट आएंगे उनको हम आपके बीच में लाइव चर्चा में आएंगे, सवाल आपके रहेंगे, जवाब वो देंगे। और इसके लिए जिन साथियों ने हमारे चैनल को लाइव और सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नया अपडेट मिलते रहे।